अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑयल फ्री फेस, यानी कि आप अपने फेस को ऑयल फ्री कैसे बना सकते हो। और मेरा फेस, जब मैं सोकर उठती हूँ तो टी जोन एरिया जो है वो मेरा ऑयली हो रहा होता है सो के उठने के बाद, यानी कि ऑयल जो है नाक से निकल रहा होता है, ये एरिया जो है ये ऑयली हो रहा होता है। टी ये फोरहेड जो है ये, यानी कि पूरा टी जोन एरिया जो है ये ऑयल छोड़ रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या लगाऊँगी और लगाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब मेरा फेस ऑयली हो रहा हो, तो मालमा कंपनी का यहाँ पे उपटन है मेरे पास और इसका ब्यूटी मास्क है। इसको मैं बनाऊंगी और इसको हम रोज़ वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। रोज़ वाटर के साथ मिक्स करेंगे और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी, वो है एलोवेरा जेल, ठीक है। ये चार चीज़ें हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके बनाएंगे। लिया ये एक चम्मच मैंने इसका लिया है ब्यूटी मास्क का, ठीक है। ये देखें, ये ब्यूटी मास्क है और सेम यही चम्मच जो है एक भर के हम उपटन कर लेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे रोज़ वाटर के साथ, लेकिन रोज़ वाटर ऐड करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालूंगी। और एलोवेरा जेल जो है ये बहुत ही कमाल का, ये रखेंगे मैं इसमें थोड़ा सा, ये आप ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड किया है और इसको हम रोज़ वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी, मैंने रोज़ वाटर ऐड किया और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, इसको लगाने के बाद ना एकदम से, एक तो आपकी स्किन जो है वो आपको टाइट भी फील होगी और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को ऑयल फ्री कर देगा। तो क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में जिनकी नॉर्मल स्किन है वो भी ऑयल जो है वो ऑयली लग रही होती है। तो ये बहुत ही बेस्ट मास्क बन जाएगा आप लोगों का, और आप इसको जब अप्लाई करोगे और इसको लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि बास टाइम इस तरह से होता है, हम चीज़ों को देख तो लेते हैं कि ये चीज़ यूज़ की जा रही है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका, उसको उतारने का तरीका वीडियो को पूरा देखा करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लड़कियों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे ये देखें, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, जैसे कि हम ब्लीच वगैरह लगाते, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने फेस के ऊपर, अपने नेक के ऊपर, जहाँ जहाँ यानी कि आपको अपनी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली फील होती है, आप इसको वहाँ पे अप्लाई करो। और यार, वीडियो बनाना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, ये मुझे तकरीबन यहाँ पे बैठे कोई एक घंटा हो गया, कभी कोई आ रहा है बाहर, कभी कोई आ रहा है। मैंने कहा नहीं, आज भी मैंने वीडियो बना के छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पीछे से आवाज़ें आएँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ जो है ना वो बिल्कुल वीडियो को कट ना किया जाए, और जैसे मैं लगा रही हूँ, जैसे चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हूँ, सेम मैं आपको वैसे दिखाऊँ, विदाउट फिल्टर, विदाउट जो है एडिटिंग, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट करूँ, उसमें ब्यूटी फिल्टर लगाऊँ। तो जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, जो आपका नेचुरल कलर है, वो सबको नज़र आना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जब वीडियो बनाऊं तो उसमें जो है वो अच्छे तरीके से आपको बता भी दूं। अब ये देखिए, पीछे से आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो इनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम वेट करने के बाद जो है ना अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। अच्छा, अभी ये शोर ख़त्म हो, अभी ये शोर ख़त्म हो, लेकिन शोर कहता है मैंने भी नहीं मुकना, आज ये शोर कायम ही रहेगा। अच्छा जनाब, ये देख लें, मैंने यहाँ पे इसको पूरे फेस के ऊपर लगा लिया। ये बच गया, जैसे कि बच गया, आप अपने हाथों पे लगा लो इसको, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे मज़े की बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको डेली यूज़ करो, डेली बेसिस पे यूज़ करो। जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको डेली लगाएं,
जितना अरसा गर्मियां हैं आप इसको डेली यूज करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ड्राई होने में ये कितना टाइम ले लेगा, 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और जब आप इसको लगाओगे, इसको ड्राई होने देंगे, ड्राई होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने इसको उतारना कैसे है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरा मास्क बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और जब भी आप मास्क लगाते हो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी से बात नहीं करो और स्माइल भी करो, क्योंकि स्किन टाइटनिंग की तरफ जा रही होगी, लेकिन जिन बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब मैं बताऊँगी कि आपने इसको उतारना कैसे है, ठीक है। इसको मैं वॉश नहीं करूँगी अभी, हमने इसको यूँ मसाज करके उतारना है। थोड़े से अपने हाथ जो है रोज़ वाटर के साथ ही उसमें रखें, मैंने किया दोनों हाथों पर ये किया और मैं इसको यूँ उतारूँगा। इससे क्या होगा कि आप जितने भी फेशियल हेयर्स हैं जब आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे तो आप फेशियल हेयर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होने के बाद जो है वो यू होना शुरू हो जाते हैं। यू इसको हम रगड़ के उतारेंगे, ठीक है। वॉश हम इसको बाद में, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसको डेली यूज़ करें, इसको लड़के लड़कियाँ इवन आप अपने बच्चों को भी अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी आईज इसलिए क्लोज कर रही हूँ कि मेरी आँखों में लगाए इसका पाउडर, इसका सारा इसको उतार लिया। और उतारने के बाद अब इसको उतारना ही नहीं है, बाद में आप अपना फेस वॉश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सारा उतार दिया, ये देखिए अब कोई भी नहीं है। अब जस्ट मैं अपना फेस जाके सादे पानी से वॉश कर लूँगी, ठीक है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। इससे जब आप अपना फेस वॉश करके आओगे तो आपकी स्किन आपको ड्राई फील होगी, यानी कि बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगी। तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अपने बच्चों को भी अप्लाई करवा सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों की स्किन जो है वो ऑयली रहती है। और वैसे भी वाइटनिंग के लिए भी आप इसको यूज़ करवा सकते हो अपने बच्चों को। तो मैं अभी यहाँ पे अपना फेस वॉश करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा और इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, यानी कि मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। बेसिकली मकसद ये था कि इसको आपने इस तरह से बनाना है और आप इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। जिन लड़कियों के पास ये ऑलरेडी है इसको इस तरीके से यूज़ करिएगा और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वाले तरीके से इसका रिज़ल्ट कैसा मिला, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप लोग भी इसको लगाओगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने गाँव में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।